वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंगल्स। मैं अवनी, मैं पूजा और मैं जानवी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल और हमारे बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको आज, सिर्फ हमारे स्किन कलर को छोड़ के। मतलब आज सारा देख के ऐसा लग रहा है ना, ऑल ब्लैक। मतलब जहाँ भी नजर जा रही है हमारी खुद के ऊपर या फिर फूड के ऊपर, सब ब्लैक ही है। क्योंकि चैलेंज ही हमारा है आज, ब्लैक फूड ईटिंग चैलेंज। और गाइस हमने ड्रेसअप भी ऑल ब्लैक कर रखा है। एंड गाइस आप देख सकते हैं हमारे फूड को, मतलब कितना ब्लैक लग रहा है। ये हमने मैगी बनाई है घर पे, ये भी ब्लैक है। एंड गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो मोमोज है वो कितने ब्लैक हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे ओरियो, और गाइस हमारी ये ब्लैक पेस्ट्री और ये कोक। बस एक चीज है जो थोड़ी अलग है, वो है हमारे मोमोज की चटनी, इसको भी ब्लैक करना चाहिए था गाइस। जो सारा हमारे पास सामने ब्लैक फूड रखा हुआ है, ये हम तीनों को एज अ टीम फिनिश करना है। एंड गाइस जैसा कि आपने हमारा चैलेंज पहले भी देखा कि हमने टाइमर रखा था पहले के चैलेंज पे और हमने टीम वर्क किया था, तो हम आज भी वैसे ही करने वाले हैं। टाइमर के साथ हम ये सारा फूड फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस बेसिकली आज चैलेंज होने वाला है ब्लैक फूड वर्सेस ब्लैक डिंग डोंगल्स, क्योंकि हम तीनों ने ब्लैक पहना है। इस चैलेंज का जो टाइम पीरियड हमने लिया है वो है 4 मिनट्स। मतलब 4 मिनट्स में हम तीनों को ये सारा टेबल पे रखा हुआ फिनिश करना है। अगर हमें क्या नहीं करनी है, पनिशमेंट। और अगर पनिशमेंट करनी है तो आराम से खाना गाइस। फिर चाहे किसी एक के मुंह में लास्ट बाइट क्यों ना हो, तो भी हम तीनों मिलके पनिशमेंट करेंगे आज। मतलब गुनाह चाहे कोई भी करे, सजा तीनों की। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो इतने सुंदर सुंदर आपको कुर्ते या हमारी ड्रेसेस दिख रही हैं, ये हमने मेरा लिंक से ऑर्डर करी हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इसके बारे में हम आपको भी और बताते हैं। तो गाइस आप हमको देख सकते हैं कि हम ऑल ब्लैक लग रहे हैं, भले ही हमारी ड्रेसेस के ब्लैक कलर है हम तीनों के ड्रेसेस के, लेकिन हम तीनों के ड्रेसेस के टाइप, क्लोथ और फिर उसके बाद डिजाइन तीनों ही कितने डिफरेंट है, ये आपको दिख ही रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी ड्रेसेस मेरा लिंक से ऑर्डर करी है, सिर्फ ये तीन नहीं, इसके अलावा एक एक पीस और है। इस बार का हमारा पूरा 6 ड्रेसेस का कलेक्शन ऑल ब्लैक था, मतलब इसके अलावा भी जो अंदर पीस है वो ब्लैक है। तो गाइस अब हम आपको एक एक करके अपने पीसेस दिखाएंगे एंड इसके बारे में आपको बताएंगे कि कितने ज्यादा अफोर्डेबल एंड कितने ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हमारी ड्रेसेस हैं। तो गाइस सबसे पहली ड्रेस जो मैंने ऑर्डर करी, वो आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही है। राउंड नेक है एंड इसका जो फैब्रिक है ना, वो है पॉलीक्राफ्ट फैब्रिक, बहुत ही लाइट एंड कम्फर्टेबल। एंड इसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ओनली 549। 549 में इतनी प्रिटी पार्टी वेयर ड्रेस, एंड आप इसको कैजुअली भी पहन सकते हैं। और गाइस इस ड्रेस का ब्रांड है जनाइसा ब्रांड। उसके बाद जो सेकंड पीस ऑफ ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है, वो है ये इतना प्यारा सा कुर्ता विद एकदम अमेजिंग सी स्कर्ट। आप देख सकते हैं कि स्कर्ट का घेर कितना बड़ा है, इसकी वेस्ट पे ये डिजाइन भी है बेसिकली इसको टाइट करने के लिए। ये कुर्ता राउंड नेक कुर्ता है विद 3/4 स्लीव्स एंड इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन है, एकदम सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल। एंड इस कुर्ते का जो पैटर्न है एकदम यूनिक है, पेस्ली पैटर्न, ये बॉर्डर है एंड उसके बाद ये पूरे कुर्ते में प्रिंट है ऐसे। उसके बाद इस ड्रेस को आप कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं, एज अ पार्टी वेयर भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है, आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा इसमें। एंड इस प्रिटी सी ड्रेस की जो ब्रांड है वो है कुर्तीपेडिया, और इसकी जो प्राइस है वो है 899 ओनली। इस ड्रेस का प्राइस नॉर्मली तो है 999, लेकिन डील ऑफ द डे में इसका प्राइस है 899 के एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। डील ऑफ द डे में आपको इतना प्यारा सा ड्रेस मिल रहा है। तो गाइस ग्रैब योर ड्रेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेरा लिंक के लिंक दे दिया है, उस पे क्लिक करिए एंड अपनी फेवरेट कुर्ती को ऑर्डर करिए। सो गाइस मैंने ऑर्डर किया है ये पॉलीक्राफ्ट कुर्ता, आप देख सकते हो गाइस कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। इसकी जो स्लीव्स है वो बेल शेप में है और इस पे जो प्रिंट है वो गोल्ड हो रखा है, लाइक आप देख सकते हो छोटी छोटी डॉट्स में। गाइस इस ड्रेस को आप पार्टी में भी यूज कर सकते हो। और गाइस इस कुर्ते का प्राइस जस्ट ₹549 है और ये जनाइसा ब्रांड का है। मैंने जो सेकंड ड्रेस ऑर्डर की है वो है ये कुर्ता विद पेंट, और इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन है, और ये कुर्ता और पेंट मुझे मिला है जस्ट ₹699 में। आप देख सकते हो इस कुर्ते की जो स्लीव्स है वो 3/4
स्लीव्स हैं और जिसका नेक है वो कॉलर में है और इस ड्रेस का ब्रांड है टीरा। और गाइस मैंने ऑर्डर की है ये ड्रेस, आप देख सकते हैं। और ये कुर्ती भी धोती पैंट के साथ है ये, एंड इसका जो फैब्रिक है वो क्रैप फैब्रिक है, एंड इसके जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है। एंड गाइस आप जो देख सकते हैं इसमें प्रिंट हो रखा है वो गोल्ड प्रिंट है, एंड ये पार्टी वियर भी है। और इसका प्राइस 949 है और इस ड्रेस का ब्रांड जो है वो जनाइसा ब्रांड है। गाइस जो सेकंड ड्रेस मैंने ऑर्डर की है वो ये है, आप देख सकते हैं कितनी प्रेटी लग रही है। मतलब ये फ्लोरल ड्रेस है एंड इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, एंड आप इसकी स्लीव्स देख सकते हैं 3/4 स्लीव्स है, एंड इसका जो फैब्रिक है वो रेयन फैब्रिक है। और इसका जो प्राइस है वो 599 है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है गुलमोहर, एंड आप इसे कैजुअली कहीं भी वेयर कर सकते हैं। गाइस ये कुर्ती हमने एंड ऑफ सेल में परचेस की है। गाइस ये सारी ड्रेसेस हमने मेरा लिंक से ऑर्डर की है, हमने पहले अदर साइट्स पे चेक किया था एंड कंपेयर किया, उसके बाद हमने मेरा लिंक से परचेस किया ये सारी ड्रेसेस। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है एंड बहुत ही कम्फर्टेबल भी। और साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री डिलीवरी एंड 5 डेज की रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। एंड एक और अमेजिंग बात, आप ये सारे परचेजेस व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस है इन ड्रेसेस के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट करिए एंड अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर करिए। एंड अगर आप व्हाट्सएप से ऑर्डर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आने पे इजी रिटर्न पॉलिसी है एंड COD भी अवेलेबल है। सो गाइस आपको सारी ड्रेसेस यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेंगी, तो जल्दी से जाइए उस मेरा लिंक से सारी ड्रेसेस परचेज कीजिए। हमने मेरा लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से जाइए और अपनी शॉपिंग कीजिए। सो गाइस हमने अपना टाइमर यहाँ पे रख लिया है एंड अब हम जल्दी से चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके, 3 उसमें मैगी का फ्लेवर बिल्कुल प्रॉपर्ली आ रहा था। ब्लैक पेस्ट्री दैट वाज ऑसम, इतना स्पॉन्जी था वो कि अंदर ही नहीं जा रहा था। बहुत ही यम्मी भी था ना। और जो हमारे ओरियो थे तो हम तीनों में से किसी ने खाया भी है? छुए ही नहीं भाई किसी ने ओरियो, सब मैगी पेस्ट्री और मोमोज में लगे पड़े थे और कोल्ड ड्रिंक, लेकिन किसी ने ओरियो नहीं छुए। बताओ मतलब ऑड वन आउट ओरियो, इतनी बेइज्जती हो गई ओरियो की। लेकिन गाइस बाद में ना ओरियो हमारे कैमरामैन ने खाए थे, वो भी मोमोज की चटनी के साथ। कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप?
गाइस, और ऊपर से वो कह रहे थे बहुत ही अम्मी है। बट गाइस अभी बहुत हंसी मजाक हो गया, अभी तीनों की हवा खराब होगी क्योंकि आती है हमारी पनिशमेंट की बारी एंड हम इतना मजाक जिनका उड़ा रहे हैं ना वो ही हमारे लिए पनिशमेंट लेकर आए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये हमारी पनिशमेंट है। आप देख सकते हो ये तीन प्लेट के बॉक्सेस बने हुए हैं टेप से टाई करे और इसके अंदर है हमारी पनिशमेंट। यस गाइस, इसके अंदर है तीन डिफरेंट पनिशमेंट्स। हमें कम्प्लीटली कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है, लेकिन हम इस तरह करने वाले हैं इसको कि मैं इनको तीनों को साथ में ऐसे ऊपर उछालूंगी, उसके बाद जिसके हाथ में जो आएगी वो पकड़ेगा, फिर उसके बाद इसको ओपन करेगा एंड देखेगा कि इसमें किस किस के लिए किस किस की किस्मत में क्या क्या पनिशमेंट है। बहुत ज्यादा किस किस का हो गया, जल्दी से करो इसे। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके, मैं इसको पहले थोड़ा सा शफल कर देती हूँ। चलो अपने किस्मत की प्लेट्स के लिए रेडी हो जाओ। 1, 2, 3 Eat mango with one hand without thumb. मतलब फोर फिंगर्स के साथ। गाइस मैं थोड़ा नाच लूं। मतलब क्या ही होने वाला है, विदाउट मैंगो खाना। पूजा ने मेरे सामने वाला ले लिया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू पूजा। अब मुझे नहीं पता था ना उसके अंदर क्या रखा है। मतलब मुझे पनिशमेंट नहीं करनी है, पनिशमेंट नहीं खाने को करनी है। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत नाचो, हारी तो तुम भी थी वैसे। इट्स योर लक। सो व्हाट। तो गाइस इन मैडम का आया था विदाउट हैंड मैंगो ईटिंग, और इन मैडम का आया था ईट मैंगो विदाउट थंब। विद वन हैंड मत भूलो, वन हैंड विदाउट थंब। और एक और बात मैं तुम दोनों को बता दूं कि जो तुम्हें छिकल दिख रहे हैं ना, तुम्हें ये छिकल में से भी आम खाना है। मतलब जैसे हम प्रॉपरली आम खाते हैं ना, बिल्कुल उसे यू नो खत्म कर देते हैं, उसमें आम बिल्कुल नहीं बचता, सिर्फ गुटली गुटली बचती है, छिकल छिकल बचते हैं। तुम्हें बिल्कुल उतना ही छोड़ना है, इसमें जो ये आम लगा हुआ है ना ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम लोग कैसे भी खत्म करो उसको, ये तुम्हारे ऊपर है। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। 3, 2, 1 गो। ओह गॉड। और मेरा बंद करो, मैं से उल्टा कैसे करूं मुंह से। आई तो लव मैंगोस, खुशबू आ गया। उल्टा करो पूजा, वेरी गुड। मुंह गंदे करके शाबाश, देखो जिंदगी में ऐसे कभी नहीं खाया हो। आई मुंह में उसको कम से कम एक हाथ तो मिल रहा, पूछा तो बेचारी मुंह से स्ट्रगल कर रही है। ऐसा तो ना आम का स्वाद भी अलग सा आ रहा होगा कुछ कुछ। कैसा लग रहा पूजा भाई? जिनको देख के मेरे को भी आम खाने का मन कर रहा है। मैं भी खा लूं, नहीं कान दे रही। कितनी लगन से खा रहे हैं दानू। डन गाइस, दानवी ने खा लिया है पूजा। चलो तुम भी खत्म करो, ये देखो गाइस। देखो पूजा ने और जानवी ने दोनों ने बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर लिया है। दोनों मेरी बंदर, महान बंदरे, बंदरिया। गाइस मेरे हाथ देखो, मैंगो का प्यार मेरे हाथों में दिख रहा है। चाट लो, ये होंगे अभी चाट लो। तुम चाट लो। गाइस मैंने मतलब पूरा खत्म कर दिया। हाँ पूरा खत्म कर दिया। और ये जितना इजी दिखता है ना करने में उतना है नहीं। मतलब मुंह में आ ही नहीं रहा, मैं खाऊं क्या। बड़ी मुश्किल से तो मेरे मुंह में आया। ऊपर से ये देखो मेरा मुंह। सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट पूजा के लिए यही था कि गुटली को कैसे पलटे। सीरियस।
और गाइज मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा ना आम को पीस पीस के खा रहा हो मतलब हाथों से। बट एटलीस्ट गाइस मेरे हाथ तो गंदे नहीं हुए, मेरा सिर्फ मुंह ही गंदा हुआ है। इसकी भी चाय मेरे और थोड़ा सा मतलब इतना मेसी फील हो रहा है ना। तो गाइस जल्दी से इस मेस को क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपको ये हमारा ऑल ब्लैक फूड ईटिंग चैलेंज, ऑल ब्लैक अस एंड उसके बाद ये हमारी पनिशमेंट अमेजिंग सी विद ट्विस्ट जिसमें मैं बच गई इन दोनों ने पनिशमेंट करी वो भी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अबे अब तो खोल दें।